18वीं सदी के महान जरनैल महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया का अपना एक विशेष स्थान है। जो इतिहास के वरके फोलीए तो खालसा राज की स्थापना में भी महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया ने अपना एक वडमुला योगदान पाया सी। उस वेले जदों मिसलों का राज सी उस वेले रामगढ़िया मिसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसल सी और इस मिसल के जरिए जिथे महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उत्ते नाल ही अपना सिक्का भी चलाया और अपने राज दे विच जिन्ने भी जुल्म हो रहे हैं जो भी जबर करता सी उदे खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। जो भी श्री दरबार साहब से कोई भी बाहरला हमलावर आता उस वेले जो फंड इकट्ठा होता सी उदे विच रामगढ़िया मिसल अपना एक वडमुला योगदान पाती सी। अज इस बहुत ही महान शख्सियत नूं याद किया गया श्रोमणी श्री विश्वकर्मा मंदिर विच जिथे के अज मुफ्त मैडिकल चैकअप लग रहा। तुसी मेरे बिल्कुल पिछले पासे देख रहे हो बहुत सारे मरीज अज सवेरे 8 बजे तो ही इस हॉस्पिटल दे विच बहुत वड्डे मरीज आने शुरू होए सी और वक्ख वक्ख जो बीमारियां दे अज इत्थे मुआयना किया गया और फ्री दवाइयां दित्तियां गईयां और खास तौर पर अखां दे मरीज जिहड़े कि इत्थे चैकअप कराने आए थे उन्हां दा मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा। सब तो पहला बलवंत मान जी मेरे नाल ने प्रधान ने विश्वकर्मा मंदिर दे महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया की बहुत वड्डी देन है जे आपां कहीए कि कौम नूं संखेप दे विच तुसीं दस्सो उन्हां बारे। जय श्री विश्वकर्मा जी। अज असी जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के जन्म दिहाड़े से इत्थे फ्री कैंप लाया अखां दे ऑपरेशन जिहड़े फ्री बिल्कुल बगैर पैसों तो किए गए बाकी होर जनरल चैकिंग की गई। असी आने वाले समय च भी जस्सा सिंह साल बाद जिसले भी इन्हां जन्म दिहाड़ा होगा असी इदां ही सेवा लोगों की करना इन्हां दी याद में बाकी सारे होर भी काम जिहड़े हैगे बहुत हॉस्पिटल। पहली बार कैंप लगा सी किस तरह का थोड़ा एज ए प्रबंधक इत्थे तजर्बा रहा और आने वाले समय के जिहड़ा आ वह होर किदां दा तुसीं एफर्ट करोगे? असी ये जिहड़ा कैंप महाराजा जस्सा सिंह याद जन्म से पहली बार लाया गया आने वाले समय च भी ये बहुत इस वेले साढ़े को 1500 तो लैके 2000 OPD साड़ी हुई है जिद तकरीबन मेरा ख्याल है कि 60-70 अखा के ऑपरेशन के फ्री जोड़े हो गए असं यह करा वो निकल अपने बाकी होर भी जनरल चैकिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है आने वाले समय से भी असं ये उपराले करते रहेंगे जिदा कि साढ़ा एक ट्रस्ट है ये श्री हॉस्पिटल ट्रस्ट के बच्चे जद ट्रस्ट साढ़ा बनया अभी पहला ही कैंप लाया गया जस्सा सिंह रामगढ़िया जी जन्म दे दिहाड़े दे विच। सुखदेव लाल जी मेरे ने काफ़ी क्लबों नाल जुड़े हुए ने और वाइस प्रधान ने जो श्रोमणी विश्वकर्मा मंदिर दे सुखदेव सिंह लाल जी बड़ा वड्डा जे आपां देखिया जाइए फगवाड़े की गल करिए तो रामगढ़िया कौम का बहुत वड्डा इत्थे स्थान है बहुत सारिया फैक्ट्रीज बहुत सारे जिहड़े समाज सेवक इस कौम ने दिते जो विश्वकर्मा पंथी समाज कौम है की कहना चाहोगे जे फगवाड़े की कंट्रीब्यूशन की गल करिए कहना चाहोगे तुसीं? देखो सब तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अज उपराला किया गया एक कमेटी वालों साड़ी ट्रस्ट वालों बहुत अच्छा उपराला सीगा जो कि बाबा विश्वकर्मा वासियां ने अज महाराजा जस्सा सिंह नूं अज याद किया और उन्होंने जन्म उत्ते आपां इह दिहाड़ा मनाया जिहदे विच अज सैकड़े नहीं मतलब हज़ारां दी गिनती पेशेंट आए आ जिन्होंने अपने अलग अलग बीमारियों का इलाज कराया और फ्री इलाज कराया ये सब तो बढ़िया उपराला है सब तो बढ़िया देन यह है उस महान सपूत वास्ते उस महान सूरू वास्ते एक अच्छी श्रद्धांजलि कह सकते हैं एक अच्छी सेध कह सकते हैं जिदे बदौलत अज इत्थे जो पेशेंट मरीज आए आ मनोकामना लेके आए बाबा जी दरबार पहुँचे है उन्होंने अज अपने अपने जो बीमारियां सीगियां उन्होंने राजपति आए बाकी रही गल जो चाना साहब मेरे वीर ने कही है कि जी सा रामगढ़िया विश्वकर्मा वंशी है इन्हां दे वास्ते साडे इस कौम दे विच इस वंशी दे विच बहुत बड़ी देन है जिवें कि साडे अपने राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी और उस तो बाद बड़े अच्छे साड़ी इस कौम उन्होंने सीध दिती है साड़ी कौम से बड़ा मेरे नाल रजिंदर रूप राय जी ने जनरल सैकटरी ने मंदिर के पहला एफर्ट से किस तरह का लगा और आने वाले समय के यहोजियां शख्सियत खास तौर पर आप बाबा विश्वकर्मा जी के जन्मदिन पर भी लाने हर साल और यह पहली बार शुरू होया कि जस्सा सिंह रामगढ़िया के जन्मदिन पर मैडिकल कैंप लग रहा तो किस तरह का सूँ लग रहा और की प्लैन है थोड़ा आने वाले समय के खास तौर पर मरीजों को लैके? जय श्री विश्वकर्मा जी। अज सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का 295 का जन्म दिवस है और सिख कौम इस जन्मदिन बड़ी धूमधाम मना रही है और साडा विश्वकर्मा विधान सभा का विश्वकर्मा मंदिर का यही उपराला है जी
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਮਾਨਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਡਲੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਧਮਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ। ਧਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੰਥੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਓਪੀਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਲੜੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਪਿੰਕਾ ਨਾਲ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਚਾਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।